पर मुफ्त फिरने के। हम आज इस्लामाबाद जा रहे हैं, मेरे साथ यशजील भाई हैं और हमारे साथ उज़ैर फारूकी साहब भी थे, जिनकी वजह से हम इस ट्रिप पे आ सके। और ये हकीकत में ट्रिप नहीं है, ये एहतजाज है उन फ़लस्तीनियों के लिए जिनके लिए हुकूमत कोई स्टेप नहीं ले रही। तो आज हम कुछ लोग जी, हमने खाना शाना खाया, पीछे जुमे की अजान हुई है, अभी जुमा पढ़ेंगे और फिर आगे का सफ़र करेंगे। इस्लामाबाद रुके भी चक्कर, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं, कुछ यहाँ जुमा पढ़ने वाले मुसाफिर भी हैं। तो हम पूरी नमाज पढ़ने वाले थे, तो उज़ैर फारूकी साहब ने कहा कि पूरी नमाज मुसाफिरों पर फ़र्ज़ नहीं होती, इस चीज़ का मुझे नहीं इलम था। तो आज मुझे पता चला कि जो मुसाफिर होते हैं उन पर सिर्फ दो फ़र्ज होते हैं जो उन्होंने पढ़ने होते हैं। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिन पर हमने सफ़र किया है, और उज़ैर साहब कह रहे थे कि ये गाड़ी हमारी है। अब ये जो भाई हैं इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी ये है, क्योंकि इसकी सीटें थोड़ी सी डैमेज हुई हुई हैं। आपको नहीं समझ आ रही थी कि नंबर कौन सा है, ये पहचान हो गई है, ये हमारी गाड़ी है। अब कब चलना है? अभी बस नमाज का वक्त है, नमाज में निकलने वाले हैं, तो इंशाल्लाह अभी 3 बजे इस्लामाबाद में जो एहतजाजी रैली है उसका हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। ये सेंट्रल स्माल से लेकर ये टी चौक तक होगा, तो इंशाल्लाह ठीक होंगे। 3 बजे वहाँ शुरू हो रहा है, तो भी इंशाल्लाह आप 3 बजे। अल्लाह, तो अभी इंतज़ार हो ही रहा है, जुमा तकरीबन पढ़ा जा चुका है, दुआ हो रही है और हम अभी निकलने वाले हैं। हम इस गाड़ी पे आए हैं, ये थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक है इसकी हालत भी, हम इस पर आए हैं। पानी भर लिया है क्योंकि रास्ते में पानी, जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो पानी शायद मिल जाता, मगर रास्ते में स्टे नहीं है, ये आखिरी स्टे है जो हमने कर लिया हुआ है। गाड़ी हमारी चली गई है, हम अभी उसके पीछे पैदल ही जा रहे हैं। वो हमें छोड़ गई है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो पानी शायद मिल जाता, मगर रास्ते में स्टे नहीं है, ये आखिरी स्टे है जो हमने कर लिया हुआ है। गाड़ी हमारी चली गई है, हम अभी उसके पीछे पैदल ही जा रहे हैं। वो हमें छोड़ गई है। ये नमक मुजस्मे बनाया गया है, इसकी कीमत है 250 रुपये और इसकी कीमत नज़र नहीं आ रही, 700 और ये 2300 रुपये का है। और अपना नाम बताएं भाईजान। मोहम्मद बिलाल हसन। और सारे रास्ते हम इनको देखते रहे हैं कि इनकी शक्ल किसी दोस्त से मिलती है, तो इनका जो छोटा भाई है वो मेरे साथ काम करता है। ये हमारे लिए दिया है, ये 2 नंबर जूस है, पर्ची आपके लिए। पाकिस्तान का बड़ा दफ्तर इन यूफो। Continue for 150 meters. Exit the roundabout onto Faisal. ये भी हमारे सिटी के ही हमारे भाई हैं, इनका नाम भी पूछेंगे क्योंकि इनसे वाकफियत अभी बनी है। अपना नाम बताइए। मोहम्मद हसीब। और यहाँ पे किस मकसद के तौर पर आए? हम रैली के तौर पे। अच्छा, और मैं बताता हूँ, ये आए हैं यहाँ पर मुफ्त फिरने के लिए। भाई 500 रुपया देता है, फ्री आया से ये फ्री वाला बंदा है, फिरने के लिए आए हैं बस ऐसे ही। ये टीटो पार्टी लगा रहा है, बहुत बड़ा मौत मिलेगा। जिसने और देखा जमीन बंदर की जाने तरह का सवाल खोतन भी पता चल कल किस है ये भाई टाइम नहीं करना नहीं है भाई टाइम नहीं करना हम बाद देख आ गए ना। अच्छा, आप दोनों में से पहली बार कौन आया है? दो में। ये तीसरा भी साथ है, ये भी पहली बार आया है और मैं तकरीबन 4थी बार यहाँ आया हूँ। और इन भाई का ये इरादा है कि हम फैसल मस्जिद घूमने जाएं। रैली अभी स्टार्ट नहीं हुई, जो अभी होगी थोड़ी देर में।
इस बंदे का ढूंढने वो ऊपर वाले हमारे उस्ताद हैं, वो गए थे। ये इस्लामाबाद का हाल है। ये साथ वाली एलिवेटर जो है वो थोड़ी सी खराब हुई हुई है, ये इन दिनों में बारिशें हुई हैं तो जिस वजह से उसको अभी तक रिपेयर नहीं किया गया। हमने अभी टिकट ले लिए हैं, तकरीबन 6 बंदे हैं तो अभी हम जाएंगे। अभी हम स्टॉक एक्सचेंज पे उतरे हैं और हमारा एक दोस्त पीछे ही रह गया है। जब ट्रेन चल पड़ी थी तो वो उधर ही हमें देख रहा था कि ये किधर जा रहे हैं, तो उसको कोई पता भी नहीं है कि मेट्रो में कैसे बैठना है, कहाँ पे उतरना है, उसको स्टेशन का भी नहीं पता, तो नंबर भी उसका नहीं है हमारे पास। तो अभी शायद वो रैली देख कर रुक जाए स्टेशन पे। वजन है ना हो गया। हम अभी बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पर पहुंचे हैं जहाँ पर हमने पहले आना था। जल से पे आना था, सिक्का ना नहीं आ सकता, घूम के जा। सिक्का जंजा से नहीं सटिया, सिक्का ना उठे ले लेना। पैसे भी कौन देने, वो बोल ले रहा मतलब डुबे ले। रैली चल पड़ी है, हमने अभी जाना है बीच और आगे पीटीआई का पहले जलसा है। हमने उनके साथ सारा काफिला डी चौक की तरफ गामजन है और हमारे साथ रहिएगा। हम आपको एक एक पॉइंट की वीडियो दिखाएंगे, क्या सूरत हाल है, आगे क्या बनेगा, आपको सारी वीडियो लाइव आपको मिल जाएगी। हमारे पास अभी माइक नहीं है, आवाज इतनी ज्यादा क्लियर नहीं आ रही, माइक हमारे पास से घर रह गए हैं। हमारी बहने बेटियाँ और बच्चियाँ आपके साथ हैं, यहाँ के जवान पूरे और बच्चे आपके साथ हैं। हम आपको तना नहीं छोड़ेंगे और अपने हुक्मरानों को इस बात में मजबूत करेंगे कि वो अमली एक्शन से लें और अमली एक्शन करें। सिर्फ नारों और मजम्मतों से मैं जो पहले सोचता है नहीं मिटा देने का, जब देने का इजहार करने के लिए और इसराइली यहूदियों को अमेरिका हिंदुस्तान 2000 से पीछे चले हैं, बैनर बनाने से ही तो थोड़ा सा बेहतर करें ताकि पिछले लोग भी आपके साथ मिल सकें और ऐसा ऐसा चले ताकि पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी आपकी रैली का हिस्सा बन सके। माशाल्लाह अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह जिसका जहाज से भरपूर आज रैली के शरादा अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ बेटी का इकट्ठा करने के लिए और हम अभी जल से को छोड़कर थोड़ा सा इस तरफ आए हैं, सेवर वाली एक शॉप ढूंढ रहे हैं कि कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि हमने दोपहर को खाया था, अभी शाम होने वाली है, तकरीबन 7:15 हो ही गए हैं। तो अभी हम दो जो हैं हम जा रहे हैं, तो हमने एक भाई से पूछा कि रास्ता कितनी दूर है सेवर की शॉप, वो कह रहा था कि तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर है। तो अभी इस्लामाबाद की सड़कों पर हम चलते हुए और आपको नज़ारे दिखाते हुए, तो देखते हैं कुछ शॉप मिलती है तो आपको भी ज़रा सीन दिखाएंगे।